आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडोब फोटोशॉप। फ्रेंड्स, फोटोशॉप क्या होता है, फोटोशॉप का क्या क्या फायदे हैं, सभी चीजें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, फोटोशॉप क्या होता है? तो फोटोशॉप जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप जो है ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं, फोटो को एडिट कर सकते हैं और डिजिटल आर्ट बना सकते हैं। फोटोशॉप का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .psd होता है। psd का मतलब होता है फोटोशॉप, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे फोटोशॉप ओपन किया जाता है, उसमें कौन कौन सा ऑप्शन होता है, कौन कौन सा टूल होता है, फोटोशॉप का क्या क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशु और स्वागत करता हूँ आपका अंशु डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फोटोशॉप ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद ही आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे लैपटॉप में ये इंस्टॉल है, तो इसको ओपन करने के लिए सिंपल आपको इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। जब फोटोशॉप ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोशॉप ओपन हो चुका है। अभी ये बिल्कुल यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी हमने यहाँ पे फोटो नहीं लिया है, तो ये ब्लैंक है अभी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर मेन्यू है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, हेल्प, ये सब मेन्यू बार है। फ्रेंड्स, इन सभी मेन्यू के बारे में भी हम बारी बारी से सीखेंगे कि कौन से मेनू का क्या यूज है। यहाँ पे टूल बार है, ये टूल बार है, जैसे कि बहुत सारा इसमें टूल दिया गया है। फोटोशॉप में यूज करने के लिए बहुत सारे टूल का इस्तेमाल किया जाता है, सभी टूल के बारे में हम बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले तो आज हम ओपन करना सीखेंगे, इसमें कैसे क्या करते हैं ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक बार क्लोज कर देते हैं। तो ये तो पहला तरीका हुआ कि फोटोशॉप को ओपन करने के लिए सिंपल डेस्कटॉप पे जो फोटोशॉप है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका जो है, आपको यहां पे सर्च देखने को मिलेगा। यहां देख सकते हैं जो स्टार्ट बटन है, इसके बगल में यहां पे टाइप हियर टू सर्च लिखा है। यहां पे क्लिक करके और यहां से आप फोटोशॉप सर्च करेंगे। इस तरीके से आप टाइप करेंगे फोटोशॉप, और टाइप करने के बाद ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। इस पर सिंपल आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो है आपके सामने फोटोशॉप खुल के आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये दूसरा तरीका हुआ। अब मैं आपको तीसरा तरीका बता देता हूँ। तीसरा तरीका क्या है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तीसरा तरीका, आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर प्रेस करना है तो रन खुलेगा, रन का बॉक्स खुलेगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है फोटोशॉप। यहाँ पर आपको स्पेलिंग जो है सही टाइप करना है, और टाइप करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने जो है फोटोशॉप ओपन होके आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो हमने तीन तरीका सीख लिया कि फोटोशॉप को ओपन कैसे करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फोटोशॉप का बेनिफिट क्या है, फोटोशॉप के फायदे क्या हैं, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फोटोशॉप में आप किसी भी टाइप के फोटो को एडिट कर सकते हैं, उसमें कलर करेक्शन कर सकते हैं, फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं, किसी भी तरीके का लोगो डिजाइन कर सकते हैं, बैनर पोस्टर बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके के आप डिजाइन जो है फोटोशॉप में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सब आप फोटोशॉप में कर सकते हैं, और फोटोशॉप एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। और ये जो है, आप मतलब आप बिगिनर हैं अगर, तो भी आप जो है इस फोटोशॉप को आसानी से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फोटोशॉप का जो है ये एडोब फोटोशॉप 7.0 जो वर्जन है वो सभी के लिए है। इसमें आप जो है मतलब आप सीख सकते हैं कि कैसे फोटोशॉप को यूज किया जाता है। इसमें ज़रूरत के सारे ऑप्शन दिए गए हैं, फोटो से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होते हैं इसमें आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे कि आप जो है एक कह सकते हैं हाई लेवल का जो है फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सब बेनिफिट है फोटोशॉप का। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, फोटोशॉप को आखिर डेवलप किसने किया था? तो फोटोशॉप को जो है थॉमस और जॉन कनॉल ने 1988 ईस्वी में फोटोशॉप को डेवलप किया था।
फ्रेंड्स फोटोशॉप को कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। इसका इंटरफेस जो है बहुत ही इजी है, जो आप बहुत ही आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि फोटोशॉप क्या है, कैसे ओपन करते हैं, फोटोशॉप से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स बात करेंगे, कौन सा ऑप्शन का कैसे यूज करते हैं, कैसे इसमें फोटो को लेके आते हैं, सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।